राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पितृ पक्ष में आप गीता का पाठ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अभी लगने वाला है पितृ पक्ष, तो इन पितृ पक्षों में आप गीता का पाठ अवश्य करें। अवश्य का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गीता का पाठ करना। अगर आपकी कुंडली में पितृ संबंधी अगर कोई दिक्कत है, अगर पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है गीता का पाठ करना। अगर नहीं भी है तब भी आप गीता का पाठ कर कीजिए, इससे आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पितृ पक्ष में गीता का पाठ। गीता का पाठ आप जब नित्य रूप से करते हैं तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करना आवश्यक होती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में फूल लेकर भगवान विष्णु का, गणेश जी का आप ध्यान करके पुष्प छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह से सिंपल तरीके से, जैसे मैं स्नान करके आपको दिखा रही थी ना भगवान का, चम्मच से चार बार जल छोड़ना है आपको। तो सिंपल सादा स्नान है ये। अगर आपके घर में सुबह जल्दी पूजा हो जाती है और आपको गीता का पाठ करना है तो इस तरह से देखिए, भगवान की जब सुबह पूजा हो गई तो हमने भगवान को सुबह ही स्नान करा दिया, तो आप इस तरह से भगवान को भाव वाला स्नान आप करा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान को आप कलावे के रूप में दो दो वस्त्र अर्पण कर दीजिए। तो उसके बाद देखिए हमने कलावा के वस्त्र अर्पण किए थे। इसके बाद आप भगवान विष्णु पर जो है ना चंदन का आप टीका लगा दें। अगर आपके पास लक्ष्मी जी है तो उनको भी भगवान विष्णु के साथ आप जरूर विराजमान करें। अकेले भगवान विष्णु की पूजा ना करें, तो लक्ष्मी जी है तो दोनों को साथ में जोड़ी से आपको पूजा करना है। गीता के पाठ को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये पूजा जो है ना दोनों के लिए है। तो देखिए हमने यहाँ पर अलग से तिली चढ़ा दी है। हल्दी आप जरूर चढ़ाएं भगवान विष्णु पर, जैसे कि हम लोग वीडियो में दिखा भी रहे हैं आपको। तो हल्दी जो है ना आपको जरूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए आप भोग वगैरह लगा दें, फल चढ़ा दें, जो भी आपने भगवान के लिए लेकर आए हैं भोग प्रसाद में, तो वो आप जरूर चढ़ाएं। नमस्कार, नमस्कारोमि। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद में आप जो है पोथी की पूजा करेंगे। पोथी में रोली चंदन लगा करके श्रीगंध चंदनम दिव्यम गंधा डुम सुमनोहरम बलेपनम सुरा श्रेष्ठा। ये आपने पोथी की पूजा की, और पोथी की पूजा करने के बाद में अगर आप अनुष्ठान के तौर पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो आपको एक भगवान विष्णु के दाईं ओर जो है एक कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल, पूर्ण पात्र, आम के पत्ते, उस पर स्वस्तिक बना करके उस पर वरुण का पूजन, जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का पूजन, और गंगा आदि जो प्रमुख नदियां हैं, चारों वेद हैं, सातों ऋषि हैं, इन सब का जो है आपके ऊपर रोली चावल पुष्प लगा करके ध्यान करके सबका वो पूजन करना है। इसके बाद में पोथी का आपने पूजन देख लिया। पोथी के पूजन के बाद में आपको श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किस प्रकार प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले यहाँ जो है ये विनियोग दिया है, तो आप ये विनियोग जो है कर सकते हैं। और विनियोग को किया जाता है तो ऐसे हाथ में जल लेकर के और पूरा बोल करके ओम अस्य श्रीमद् भगवत, ये पूरा बोल करके विनियोग आए जब उसको जल को नीचे छोड़ देना है। और ये फिर इसके बाद में जो करन्यास दिए अंगुष्ठाभ्याम नमः तर्जनीभ्याम नमः, इस प्रकार से जो आपको करन्यास और हृदयन्यास और मृदयाय नमः, हृदय से लगा के सिर से लगा के ऐसे हृदयन्यास दी करके फिर जो है आपको भगवान विष्णु का यहाँ ध्यान करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद में जो है आप मूकम करो दुवाचा लम पंगुम लमंग लंगे दे गिरिम यद कृपा तमो हम बंदे परमानंद माधवम, इस प्रकार जो है भगवान विष्णु का ध्यान करके और आप अपने पितरों का भी ध्यान करेंगे। भवरम धर्म सर्वलोकनाथम, जो है आप भगवान विष्णु का ध्यान करके जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो है पाठ करना है। एक आपको एक बात बताएं, हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक रेल आती है तो रेल पे आप रख सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए अभी हाथ में ली है। और इन जिन पोथियों में 700 से श्लोक ऊपर होते हैं उनको हाथ में लेकर के कभी पाठ करना नहीं चाहिए, एक मर्यादा रहती है। तो इसलिए आप जो है इस प्रकार चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके, लाल वस्त्र बिछा करके, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो वो वस्त्र बिछा करके इस प्रकार से हमने जो श्रीमद् भगवद गीता को यहाँ विराजमान किया है, आप ऐसे गीता को विराजमान करें। इस श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में भी इसमें दो संवाद प्रमुख तौर पर चले हैं, एक तो अर्जुन भगवान कृष्ण का है और दूसरा जो है धृतराष्ट्र और संजय का है। तो धृतराष्ट्र जो है इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता में
मात्र एक बार बोले हैं प्रथम अध्याय में। उसके बाद में संजय जो बोले हैं, संजय जो है 9 बार संजय ने अपना उत्तर दिया है, 9 बार संजय उसमें बोले हैं। उसके बाद में 21 बार जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए हैं और 28 बार भगवान जो है कृष्ण जो है बोले हैं। इसमें पृथक पृथक सभी योगों का वर्णन किया है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, इस प्रकार से इसमें सभी का वर्णन किया है। व्यक्ति को कर्म की प्रधानता श्रीमद् भगवद गीता में बताई है कि मेन जो है आपका कर्म है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, न तु फलम, कर्मणि ते अधिकारम न तु फलम, बस मात्र आपका अधिकार जो है कर्म पर है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। आप अगर कर्म अच्छे से करते हो तो परमात्मा आपका उसको अच्छे से फल देंगे। तो ये हमने आपको इसकी श्रीमद् भगवद गीता की जानकारी बताई। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ करना है तो आप संस्कृत में भी कर सकते हो, जैसे ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोत्सवः धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजया। संजयवाच दृष्टादु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। यहाँ जो है महाराज धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र में, यहाँ उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, अब जो मेरापन और एक अपनापन और परायापन दोनों को क्लियर कर दिया है। तो बोले मेरे यानी मेरे पुत्र जो है दुर्योधन, सुयोधन उसका वैसे नाम था, उसको दुर्योधन बोलते थे। तो बोले जो कौरव जो है वो मेरे पुत्र हैं, और पांडुओं के जो पांचों पांडव हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव, तो बोले उन्होंने पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया यहाँ। तो फिर संजय ने जो यहाँ उसका उत्तर दिया है, तो वो दृष्टवादु पांडव का नीचम, यहाँ जो है इन्होंने संजय ने जो है बढ़िया से उत्तर दिया देते गए हैं। तो चूंकि विस्तार से बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ जो है आपको संस्कृत में अगर आप करते हैं तो प्रत्येक अध्याय का 16 दिन का पितृपक्ष होता है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, किसी दिन एक तिथि घट भी जाती है तो 15 दिन का आप मान के चलिए, तो 15 दिन का जो पक्ष होता है तो आप अगर एक अध्याय से करते हो तो 15 अध्याय जो हो जाएंगे, और 3 दिन दो दो अध्याय करोगे तो 15, 16, 17 और 18, ऐसे मतलब 15 दिन में 18 अध्यायों का पाठ हो जाएगा। एक तो ये विधान है, मतलब आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दूसरा विधान तो ये है कि नित्य जो है गीता का पूरा पाठ आपको पितरों को सुनाना चाहिए। अगर आप पूरा गीता का पाठ नहीं सुनाते हैं तो आप जो है प्रतिदिन एक अध्याय का, जैसे पहले दिन पहले अध्याय का, दूसरे दिन जो है ये दूसरा अध्याय जो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा अध्याय का पाठ करना है, तीसरे दिन तृतीय अध्याय का, इस प्रकार आपको करना है, चौथे दिन चौथे का, पांचवें दिन पांचवें का, और इसके साथ साथ जो आपको क्या करना है विशेष जो आपको शीघ्र फल जो प्राप्ति के लिए, इसमें सप्तम अध्याय का आपको विशेष तौर पर प्रतिदिन पाठ करना है। पहले अध्याय का पहले पाठ किया फिर उसके बाद में आपको सप्तम अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ करने के बाद आपको सप्तम अध्याय का पाठ करना है, तीसरे दिन तीसरे अध्याय का पाठ करके सप्तम अध्याय का, सप्तम अध्याय का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। और आप अगर पूरी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं और आपके पास समय है तो आप सप्तम अध्याय का भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, ये विशेष फायदेमंद है, बहुत लाभकारी है। और जिन लोगों के यहाँ पितरों से संबंधित समस्या है, पितरों से पीड़ित हैं, पितृदोष से जो पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में सर्प योग है या पितृदोष, जो सर्प योग पितृदोष उसी के कारण बनता है, तो इनसे जो पीड़ित हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ये पितृपक्ष में भी आप कर सकते हैं, और पितृपक्ष के अलावा आप 12 महीने भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। तो ये हमने आपको यहाँ जो है मूल प्रति यानी संस्कृत में जो प्रति है उसके यहाँ हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता जो है आप हिंदी रूपांतर है तो आप इस प्रकार की भी गीता ले सकते हैं हिंदी रूपांतर, और गीता प्रेस से भी जो है हिंदी में आती है तो उसको भी आप लेकर के, और नित्य जो है हिंदी में भी पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप पर संस्कृत नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में पाठ करें, क्योंकि भगवान के यहाँ जो है भाव की प्रधानता है, भावो ही विद्यते देव भावग्राही जनार्दना। एक श्लोक आता है, मूर्खा वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे उभयो ही समम भावम भावग्राही जनार्दना। बोले मूर्ख व्यक्ति विष्णवे बोलता है और पढ़ा लिखा हुआ क्षमा कीजिए मूर्ख व्यक्ति जो है विष्णाय नमा बोलता है तो उसको विष्णवे का फल प्राप्त होता है, और विद्वान जो है विष्णवे नमा बोलता है तो उसको विष्णवे का फल प्राप्त होता ही है। तो यहाँ ये दिया है कि मूर्खा वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे उभयो ही समम भावम, दोनों का समान भाव है किंतु भाव की प्रधानता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे वह पूजा आपको
फलदायी नहीं होगी। तो विशेष ये है कि आप भाव से जो है यहाँ पूजन किए, पूजा करें। जैसे अभी आपने देखा, सबसे पहले हमने लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया, क्योंकि पूजन जो है आपको हम व्यर्थ दिखा रहे हैं, तो चार बार जल छोड़ के आप जो है मूर्ति हैं तो मूर्ति का भी आप प्लेट में रख करके बढ़िया स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास चित्रपट है तो चित्रपट में एक थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर के ऐसे पहुँच के और रोली चंदन से जो है भगवान का पूजन करें। और विष्णु की पूजा में जो है तिल की प्रधानता रहती है, तो तिल का आप विशेष प्रयोग करें तो ये आपको जो है, और पितरों के लिए भी तिल की विशेष प्रधानता है। तो इस प्रकार जो है आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना है। तो नित्य पाठ आप 15 दिन का भी कर सकते हैं पितृपक्ष में, और 12 महीने करते हैं तो उसके घर में तो जितना वर्णन किया जाए कि लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, तो आपको मतलब इसका जितना वर्णन करें वो कम ही है ये, अगर आपके अंदर भाव है तो। इसलिए आप जो है भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। और लक्ष्मी नारायण भगवान का इस तरीके जो आप देख रहे हैं, यह हमारे यहाँ चित्रपट है, चित्रपट में जो विराजमान है, और सामने मूर्ति भी, दोनों चीज़ें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, और फोटो है तो फोटो की पूजा कर सकते हैं। और आपके जो गुरु हैं आप उनसे, जो आपके कुल के गुरु हैं जो पुरोहित आते हैं, तो उनसे भी आप अपनी सलाह ले सकते हैं, और आपको जानकारी है तो उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे।